हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गोपाल स्नैक्स लिमिटेड से लेके। न्यूली लिस्टेड ये स्टॉक्स है, ठीक है ना? तो सब कुछ जानते हुए नजर आएंगे, क्या यहाँ पर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो सब चीज से बातें करेंगे, जानेंगे फंडामेंटल फाइनेंशियल टेक्निकल कंपनी करती क्या है, वो सब जानेंगे। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट करिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। सीखिए, जितना सीखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और सीखने के लिए वीडियोस है ना, हमेशा कहता हूँ जाके वीडियोस देखिए, एक नहीं दो दो बार वीडियोस देखिए, सीखिए समझिए। और साथ में अगर आपको और अच्छे से सीखना है तो हमारा एक कोर्स है जहाँ पर आपकी सारी की सारी जो टेक्निकल फाइनेंश ये रिसर्च फंडामेंटल ये जितने भाई ज्ञान है ना आपको मिलता हुआ नजर आएगा। मार्केट किस तरीके से चलता है वो उस पर ज्ञान मिलेगा, थ्योरी का ज्ञान नहीं मिलेगा। थ्योरी थोड़ी सी बताई जाएगी बट उसमें आपको प्रैक्टिकल बताया जाएगा, ना कि यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि पी रेशो क्या होता है, आरओसी आरओई क्या होता है। इससे रिलेटेड बात नहीं करते हम बात करते हैं जेनुअन जो मार्केट में चलती है। 25,000 रुपए का कोर्स है, 3 मंथ की हैंड होल्डिंग, स्टॉक स्ट्रेटेजी इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट सब कुछ दिया जाता है। 8868054051, 8169261037 दो नंबरों को सेव कर लीजिए। और 1 जनवरी 2025 से इस कोर्स की कीमत 50,000 रुपये होने वाली है। वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मार्केट कोर्स मैं इसे कहूंगा, जाके आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं, साथ में काम भी करना है तो भी नंबरों पे घंटी बजा सकते हैं। गोपाल स्नैक्स लिमिटेड स्मॉल कैप शेयर है, 5,240 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो दो चीजें हमेशा याद रखिएगा, क्या कि सबसे पहले हमारे चैनल का नाम हम आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है, हमारी इसमें एक्सपर्टीज है स्मॉल कैप में। दूसरी बात करें हम स्मॉल कैप की तो याद रखिए, जब स्मॉल कैप भागता है ना तो बड़ा अच्छा नजर आता है, क्या एक साथ ही 80, 90, 100% के रिटर्न बन जाते हैं। बट जब गिरता है ना तो उसी तरीके से गिरता भी है, तो सही टाइम पर लेके बेचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने नहीं बेचा तो दोबारा शेयर वहीं का वहीं आ जाएगा, इस चीज को भी याद रखिएगा। और या इसी चीज को हम यहाँ पर अपने में पढ़ाते भी है कि कब बेचना है, क्यों बेचना है, क्या यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गोपाल स्नैक्स से जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी क्या करती है वो समझ में आ जाएगा। 1999 में ये कंपनी आई थी, ठीक है। FMCG कंपनी डीलिंग इन द एथनिक स्नैक्स, वेस्टर्न स्नैक्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर स्नैक्स से रिलेटेड ये कंपनियां बनाती है नजर आती है, स्नैक्स इन द सेंस। यहाँ पर आप देखेंगे गाठिया वगैरह है ना, ये इनके प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए नमकीन ये बनाते हुए नजर आते हैं, चिप्स बनाते हुए नजर आते हैं, कॉर्न स्नैक्स हो गए, पापड़, रस है ना, नमकीन प्रीमियम। यहाँ पर आप जाएंगे कश्मीरी मिर्च बेसन, ये थोड़ा सा FMCG प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं। स्वीट्स यहाँ पर आप देखिए ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर बेचते हुए नजर आते हैं। इनके ब्रांड की बात करें तो यहाँ पर देखिए कॉर्निंग, शॉटगो, गोपाल, बोनोवो, क्रिस्टोस कॉर्न है ना, ये कुछ यहाँ पर इनके ब्रांड नेम है। तो जाके एक बार जाके देख लीजिए कंपनी के बारे में, पता कर लीजिए, आपको सारा का सारा आइडिया लगता हुआ नजर आता हुआ दिखाई देगा। इनके प्रोडक्ट्स में पता चल जाएगी और मार्केट में इनके प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हुए भी नजर आते हैं। और भी जानना है तो यहाँ पर जान सकते हैं। मार्केट शेयर तो लगभग 20% का मार्केट शेयर है एथनिक में इनका, और 8% की बात करें तो वेस्टर्न स्नैक्स में है, 86% में पापड़ में इंडस्ट्री में है, विद इन गुजरात स्पैनिंग है ना। तो यहाँ पर अच्छा खासा काम है। यहाँ पर देखिए 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है, फैसिलिटीज है भी है। यहाँ पर बात करें कंपनी 3 प्राइमरी साइट्स में, यहाँ पर जैसे नागपुर, राजकोट, मदोसा है ना, गुजरात फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द फिनिश गुड्स एंड द 3 एंसिलरी फैसिलिटी स्पेशलिटी इन बेसन प्रोडक्शन। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के जगह पर यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब चीज यहाँ पर दे रखी है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्मॉल कैप शेयर है जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 54 का PE है, इंडस्ट्री का PE 41 का है, तो देखिए महंगा नजर आता है, ठीक है। बट मैं हमेशा कहता हूँ PE के बेस पे काम नहीं करना, महंगा है तो भागेगा नहीं, सस्ता है तो बहुत ज्यादा भागेगा, ऐसा कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। और किसी भी तरीके की यहाँ पर इस तरह, हाँ जब चीजें अच्छी होती है और लो बहुत कम PE हो तो उसका पी एक्सपेंशन होने में यहाँ पर नजर आता है कि वहां पर उसका पी एक्सपेंशन होता है। और जब ज्यादा हो जाता है तब हमें थोड़ा सा ध्यान कॉशियस रहना है कि यहाँ पर ज्यादा हो चुका है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है क्योंकि कभी भी कुछ भी हुआ तो चीजें यहाँ पर बिगड़ती हुई नजर आती है। आर ओ सी आर ओ ई की बात करें 32-29 के आसपास है, अच्छा खासा है। इसके अलावा फेस वैल्यू एक ही है। डिविडेंड की बात करें किसी तरीके का ना के बराबर ही डिविडेंड मान के चलिए, 441 का इसका हाई लगाया है जो कि यहाँ पर कल की डेट में ही लगाया था, 301 का इसका 52 वीक लो है, वहां से हम बात करें तो लगभग लगभग 50% भाग चुका है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कंपनी के नंबर्स पे कि यहाँ पर कंपनी का नंबर देखोगे तो एक ही रेंज में नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं,
कोई ऐसा चमत्कार होता हुआ नजर नहीं आया है। ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ईयरली बेस पे तो कंपनी के नंबर ठीक है, बट क्वार्टरली बेस पे वही नंबर यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं, फ्लैट कह सकते हो। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पे बढ़ा है, बट ईयरली बेस पे वो भी यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया। कंपनी के मार्जिन भी लगभग लगभग 10-11 के आसपास ही आते हुए नजर आ रहे हैं, 12 के आसपास आते हुए नजर आ रहे हैं, 12%। और नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो रेंज में ही है, कोई खास यहाँ पर चमत्कार होता हुआ नजर नहीं आया, शीट को याद रखिए, एक रेंज में ही काम होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनके प्रोडक्ट्स ऐसा नहीं हो रहा कि ज्यादा बिकने लग गए, थोड़ा सा जो मार्केट शेयर है उसी को पकड़े हुए है, इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो 14 अक्टूबर को यहाँ पर इनके रिजल्ट भी आ रहे हैं, ये भी दे रखा है इन्होंने। ईयरली बेस पे बात करें तो ईयरली बेस पे बात कर लेते हैं, ईयरली बेस पे आपको दिखाई देगा 2020 में जहाँ 886 करोड़ की सेल्स थी, वो हम समझ सकते हैं यहाँ पर कोविड था तो जब दुकान ही बंद थी तो सेल्स तो कम होनी होनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट था। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखो जैसी सब चीज ओपन हुआ तो इनकी सेल्स वही 1300 करोड़ 1400 करोड़ के आसपास होती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा, बट यहाँ पर इनका प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट का रेशियो बढ़ रहा है जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, बात करें रिजर्व्स की तो रिजर्व्स यहाँ पर देख सकते हो 378 करोड़ के रिजर्व्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छी बात है। बोरिंग की बात करें, बोरिंग कम हो रही है 67 करोड़ की है, जो कि इनके लिए अच्छी बात है क्योंकि नंबर्स में यहाँ पर इंक्रीमेंट एक्सिलरेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर बात करें वर्किंग प्रोग्रेस में 13 करोड़ रुपए, इन्वेस्टमेंट की बात करें 2 करोड़, कैश की बात करें तो 24 करोड़ के आसपास का कंपनी के ऊपर कैश भी है। यहाँ पर बात करें कैश की बात, कैश अच्छा खासा पॉजिटिव कैश फ्लोज है। और आगे बढ़ते हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग 81% के आसपास है। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि 3 साल के अंदर अंदर इन्हें 75% के आसपास लानी है, तो आगे चल के OFS या FPO जो भी जिसके थ्रू भी ये लाना चाहे, है ना, यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे 6.48% की, तो इस चीज को याद रखिएगा, वो हमेशा डिस्काउंट पर होती है। FIs की बात करें, FIs ने हिस्सेदारी थोड़ी सी कम करी है बट है अच्छी खासी। DIs की हिस्सेदारी थोड़ी सी बढ़ी है बट है अच्छी खासी। यहाँ पर आप देखोगे 89.46% की हिस्सेदारी है, जिसमें अशोका इंडिया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ने यहाँ पर 1.48% की हिस्सेदारी ले रखी है, लगभग ओवरऑल 8% की हिस्सेदारी है, जिसमें 1,12,000 यहाँ पर लगभग लगभग इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, बात करते हैं और चीजों की, तो यहाँ पर देख सकते हैं जब ये 14 मार्च को 2024 में क्वांट म्यूचुअल फंड ने, है ना, और क्वांट म्यूचुअल फंड एक्टिव फंड्स ने, मतलब क्वांट ने ही लगभग लगभग 15 लाख शेयर 374 के भाव पे लिए है, जहां से चीजें अब देखोगे तो ऊपर जा चुकी है। ठीक है, अब और चीजों से रिलेटेड बात करते हैं, इसके चार्ट से रिलेटेड बात करते हैं कि चार्ट यहाँ पर क्या कह रहे हैं। तो फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल समझ के यहाँ पर चीज चल रही है कि एक रेंज में यहाँ पर काम हो रहा है। ठीक है, ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं हो रहा, प्लस में अभी फेस्टिवल भी है तो शायद इनकी सेल्स यहाँ पर बढ़ेगी, जब सेल्स बढ़ेगी तो उसका इफेक्ट जो ये वाले क्वार्टर में अक्टूबर के नहीं उससे आगने वाले क्वार्टर में यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा, तो वो सब चीजों पे भी हमें यहाँ पर आने वाले गौर करना। बात करेंगे चार्ट से रिलेटेड, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना, सीखने की कोशिश करना, नंबर दे रखा है, कोर्स कर सकते हो, साथ में मिलकर काम कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो एक हाई बनाया, हाई बनाने का चीजें गिरती हुई नजर आई, वो गिर के यहाँ पर आप देखोगे लगभग 50% यहाँ पर ऊपर जाती हुई नजर आई, अभी क्या होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखोगे तो शायद मैं मंडे की बात करूं और जो भी मैं चीजें बताऊं, मेरे कहने पर कुछ नहीं करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, मैं अपने यहाँ पर एक्सपीरियंस के हिसाब से चीजें जैसे शेयर करूंगा। मुझे लगता है कि मार्केट ये शेयर ज्यादा शायद ना गिरे, ठीक है, ये यहाँ पर 408 रुपए के आसपास नीचे आ सकता है और आके यहाँ पर से दोबारा रिवर्स करेगा, एक दो दिन यहाँ पर परेशान करेगा और चीजें इसके बाद दोबारा ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है दूसरा सिनेरियो ये है कि यहाँ से ये चीजें गिरे और यहाँ पर 390 रुपए के आसपास एक सपोर्ट, 392 रुपए के आसपास का एक सपोर्ट बनता है, यहाँ पर आके कुछ दिन यहाँ पर घूमे और फिर ऊपर चले गए। ठीक है, और इन दोनों केसेस में जो होता है ना, जो पहले भी मैंने बताया, तो चीजें ऊपर जाने की चांसेस यहाँ पर बनते हैं, और कितना ऊपर जा सकते हैं वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, वो यहाँ पर है कि ये लगभग लगभग आप यहाँ पर देखोगे तो लगभग लगभग 483 तक के यहाँ पर टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी शेयर 420 चल रहा है तो 60 रुपए, और यहाँ पर लगभग 10-12% की और तेजी। अब बात करते हैं तीसरे सिनेरियो की, तीसरा सिनेरियो ये है कि अगर ये चीजें यहाँ से गिरती है, ठीक है, तो फिर थोड़ी सी यहाँ पर चीजें बेकार हो जाएगी, फिर आप
नहीं, फिर बैंक कहाँ बनेगी? फिर बैंक बनेगी जब ये यहाँ पर क्रॉस करेगा। अगर यहाँ पर आती है तो एक बार यहाँ पर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं विद अ पर्टिकुलर स्टॉप लॉस ऑफ 2, 3, 4, 5 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेके ना हम यहाँ पर उस टाइम काम कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना बहुत जरूरी है। या तो 4, 5 रुपए का लॉस, या फिर यहाँ पर 10% की, यहाँ पर 80 रुपए के आसपास, 90 रुपए के आसपास की तेजी। ठीक है, तो इसी तरीके से इसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट, ये दोनों चीजों को मिला के जब काम करेंगे तो अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। बट स्टिल बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा जितना हो सके, है ना, और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करिए, और सीखिए, जितना सीखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।